सिंधिया ने नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी में करा दी लड़ाई। शिंदे समर्थक विधायक परेशान, बीजेपी नहीं देगी टिकट। 22 विधायकों ने छोड़ा था हाथ का साथ, अब टिकट पर संकट। पुराने भाजपाई बोले, टिकट मांगना हमारा लीगल राइट। बीजेपी के पुराने भाजपाई कर रहे हैं दावेदारी, परेशान हाई कमान। तीन साल पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ और सिंधिया के बीच खींचतान इस कदर बढ़ गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उनके 19 समर्थक विधायकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इन विधायकों के इस्तीफे के चलते ही कांग्रेस की सरकार चली गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तो खुलकर ये बात कबूल करते हैं कि इस बार वो सीएम बने हैं तो सिंधिया की मेहरबानी से बने हैं, लेकिन ये मेहरबानियां सिर्फ 6 महीने तक की हैं क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और सिंधिया समर्थक जीत पाएंगे, ये दावे बेहद कमजोर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी में सिंधिया समर्थकों को अपने टिकट का ही भरोसा नहीं हो रहा है, खासकर उन 19 सीटों पर जहां सिंधिया समर्थक विधायक भाजपा में आए थे। ग्वालियर चंबल रीजन में तो पार्टी पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में बंट गई है। पुरानी बीजेपी में वो नेता हैं जो वर्षों से बीजेपी में हैं और नई बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे और टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल तो 19 सीटों पर मामला फंसता दिख रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने वाले 19 नेता अपना टिकट तय मान रहे हैं तो 2018 में उन सीटों से जो बीजेपी नेता चुनाव हारे थे वो भी दावा ठोक रहे हैं। सिंधिया के साथ 19 विधायक बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने उन्हें विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिया था, उसमें से 13 जीतने में कामयाब रहे थे जबकि 6 हार गए थे। जीतने वाले विधायकों में महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया, राजवर्धन सिंह, कमलेश जाटव, हरदीप सिंह डंग, रक्षा संतराम सिरौनिया, जजपाल सिंह जज्जी, बिजेन सिंह यादव का नाम शामिल है, जबकि उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया समर्थक विधायक इमरती देवी, जसवंत जाटव, गिरिराज दंडोतिया, मुन्नालाल गोयल, रघुराज सिंह कसाना, रणवीर जाटव शामिल हैं। यहां से सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर विधायक हैं, 2008 में पहली बार विधायक बने, 2018 में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक हैं, लेकिन उनका भी टिकट मुश्किल में है क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता जयभान सिंह पवैया यहां से दावेदारी कर रहे हैं। जयभान बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में सीट फंस गई है। ग्वालियर इस सीट पर मुन्नालाल 2018 में चुनाव जीते थे लेकिन 2020 के उपचुनाव में हार गए। अब यहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा दावेदारी कर रहे हैं। जबरा सीट से इमरती देवी भी उपचुनाव हार गई थी। इमरती देवी ने 2018 में कप्तान सिंह को चुनाव हराया था। इमरती का दावा है, मैं उपचुनाव क्यों हारी ये सबको पता है, लेकिन 2013 में मैं जीतूंगी, टिकट महाराज दिला देंगे। मुरैना सीट से रघुराज कसाना की दावेदारी फंस गई है, रघुराज भी उपचुनाव हार गए थे। अब यहां से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह अपने बेटे के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अम्बाज सीट पर कमलेश जाटव के सामने संजीव जाटव ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कमलेश जाटव इस समय विधायक हैं, उनका टिकट तय माना जा रहा है, लेकिन उनकी जीत तभी तय हो पाएगी जब नरेंद्र तोमर उनका समर्थन करेंगे क्योंकि नरेंद्र तोमर मुरैना से सांसद हैं जिसमें अम्बाज सीट आती है। इसी तरह भिंड जिले के मेहगांव सीट पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ओपीएस भदौरिया के सामने बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश शुक्ला और मुकेश चौधरी ने दावेदारी पेश कर दी है। गोहद में रणवीर जाटव उपचुनाव हार गए थे, उनका टिकट मुश्किल में दिख रहा है। यहाँ लाल सिंह आर्य ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आर्य 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वहीं पोहरी सीट पर सुरेश
सुरेश धाकड़ के सामने प्रहलाद भारती ने दावेदारी पेश कर दी है। वैसे सुरेश धाकड़ का टिकट तय माना जा रहा है। यहां सिंधिया का जबरदस्त प्रभाव भी है, बाकी सीटों पर भी यह हाल दिख रहा है और हर सीट पर सिंधिया समर्थक मुश्किल में दिख रहे हैं। ऐसे में टिकट मिल भी जाता है तो बीजेपी के पुराने नेताओं का सहयोग मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है।